हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मन जा रहे हैं हमें। तो कैसे आप लोग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज है डे 74 और अभी भी मैं वहीं पे मासली में रुका हुआ हूँ। रीज़न है, मैं सुबह निकलने वाला था अगरतला के लिए एंड फिर से बारिश ने सारा काम खराब कर दिया है और मैं देख रहा हूँ मेरा अगरतला का प्लान कैंसिल हो जाएगा। रीज़न ये है कि बारिश एंड ये मौसम जो है ना, बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। और मैं जितना लेट कर रहा हूँ अरुणाचल के लिए, मैं उतना ही जो है ना, एक वो मेरा अरुणाचल का जो टास्क होने वाला है वो और टफ होता जा रहा है, क्योंकि मैं जितना इधर लेट करूँगा उतनी उधर ठंड बढ़ेगी। तो इसलिए मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मैं अगरतला जाऊँगा नहीं जाऊँगा, ये सब एकदम बहुत कन्फ्यूज़न बना हुआ है दिमाग में। और फिलहाल हमारी दिन की शुरुआत हो चुकी है, समय हो रहे हैं 12 बज गए अभी और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ कैसे करूँ, क्योंकि मौसम बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। अगरतला जाऊंगा, अगरतला जाके आऊंगा, ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी बारिश में। तो मैं बस अब चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी त्रिपुरा से बाहर निकलूँ एंड नागालैंड अरुणाचल कंप्लीट करूँ, क्योंकि मैं जितना देर करूँगा उतनी देर होती जाएगी, उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। तो मुझे ये जल्दी जल्दी सब कुछ कंप्लीट करना है। तो फिलहाल आगे जैसे भी जो भी होगा आप लोगों को बताऊँगा। अभी हम जो है बैठे हुए थे सुबह से, बारिश बंद हुई नहीं तो हम निकल गए टहलने। बारिश तो बंद नहीं होगी और हम भी एक जगह बैठे रह नहीं सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास है वशीम भाई का 360 कैमरा, तो हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं एंड हम आपको दिखाते हैं कैसे जो है आप ट्रेवल कर सकते हैं ऐसे पैदल पैदल। तो आप अपने घर से पैदल छाता और कैमरा लेके निकल जाइए और घूमते घूमते यहाँ आइए, है कि नहीं? बढ़िया है ना। हाँ 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 बिल्कुल। घूमते हुए यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? वैसे लोग आते हैं, मैंने रास्ते में कई लोगों को, मतलब कई लोगों के मुंह से सुना कि उनके वहाँ कई लोग ऐसे रुके हुए थे जो पैदल पैदल ट्रैवल कर रहे थे। तो मैंने सोचा यार काफ़ी, मतलब काफ़ी क्रेजी लोग हैं दुनिया में, हम तो सिर्फ एक छोटे मोटे से नमूने हैं हमसे बड़े बड़े नमूने पड़े हुए हैं। एंड अभी मैं आप लोगों को एक फ्री का हैंगिंग ब्रिज दिखाऊंगा, जो मतलब जिसका कोई टिकट वगैरह नहीं लगता है, आप फ्री में जाइए एंड घूमिए। आप लोग लोकेशन देखिए कितना प्यारा है, कितना प्यारा व्यू है। हम काफ़ी ऊंचाई पे रुके हुए हैं, मतलब मुझे लगता है 40 फीट तो एटलीस्ट होगा ना, यहाँ 30 फीट से ऊपर है नॉर्मल जो ग्राउंड है यहाँ पे उससे ऊपर। तो ये नज़ारे कितने प्यारे हैं, लाइट लग रहा है एंड बहुत 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 बढ़िया लग रहा है, बहुत प्यारा लाइटिंग कर दिया आपका ने। एंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक फ्री वाला हैंगिंग ब्रिज जो कि हमको जाना है इधर। हाँ वो ब्रिज दिखाने के लिए हम जा रहे हैं, हमको जाना है उधर। एक्चुअली हमें उधर कैमरा घुमाने की जरूरत थी नहीं लेकिन कोई नहीं, आदत ही है, आदत से मजबूर है। ये हमारा हैंगिंग ब्रिज है। जी 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 जी, ये खेती भी देख लीजिए आप लोग। हाँ और ये एडिट करना है अशीम भाई को, तो वो समझ लेंगे कैसे एडिट करना है उनको, क्योंकि इन्हें दिखाना भी सब कुछ है। एंड ये है हमारा ब्रिज जहाँ हम जा रहे हैं। कितना प्यारा नज़ारा है, फ्री का ब्रिज, मतलब फ्री घूम सकते हैं आप लोग। घूमना चाहते हैं तो इधर आ सकते, हाँ फोकट में घूमना हो तो। एंड यहाँ पे ऐसे छोटी सी नदी बह रही है, ये ब्रिज हिल रहा है, महसूस हो रहा है। ओ भाई साहब सही में हिल रहा है, बहुत भयंकर। मैं बोला था ना ये हैंगिंग ब्रिज ना, हाँ तो हैंगिंग का फायदा तो लेना चाहिए ना। बिल्कुल, और वो भी फ्री में। तो हाँ मिलता है भैया फ्री में, फ्री में तो आजकल कुछ नहीं मिलता है नहीं। और यहाँ तो हैंगिंग ब्रिज मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। एंड अभी अशीम भाई कैमरा मेरी तरफ घुमाएंगे एडिटिंग के टाइम पे। हाँ। तो अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं और मैं जा रहा हूँ एक जगह से, मुझे इनविटेशन मिला हुआ है, मुझे एक किसने बुलाया है एक्चुअली, मैंने बुला रहा है, मेरे को बुला रहा है जाने के लिए। एक्चुअली एक छोटू है, उनकी मम्मा ने बुलाया है, उन्होंने बताया होगा उनको, हमसे मिले थे तो उन्होंने बुलाया है, तो हम उधर जा रहे हैं।
एंड फिलहाल हम खाना वाना खा के एकदम सुबह में भी खा लिए थे और फिर अभी थोड़ी देर पहले एक खा लिए है। नहीं आज दबा के ही खाया हूँ, इतना खा लिया हूँ कि पेट में जगह नहीं है। और अशीम भाई को उनका बस चले तो मुझे दो तीन दिन की जगह एक ही बार में खिला दे कि भाई आप तीन दिन चार दिन की जगह एक ही बार में खाओ तब आपका पेट भरेगा। तो इनका इतना प्यार है कि ये प्यार प्यार में मुझे इतना खिला देंगे। ये प्यार नहीं, एक्चुअली ये भाई भाई का है, क्या बोलते हैं उसको, भाई भाई का प्यार ही है। हाँ तो मैंने क्या बोला, बंधन हाँ बंधन प्यार जो भी बोलिए जो भी। इनका बस चले तो मुझे तीन चार दिन की जगह एक ही बार में खिला दें तब इनको लगेगा कि शायद मेरे पेट में थोड़ी मोड़ी जगह बची है। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं एंड आप रास्ते देख रहे हैं कितना प्यार, मतलब कितना कितना सुंदर लग रहा है। बारिश हो रही है, गांव की सड़कों पे हम चल रहे हैं। ये किस चीज़ का पेड़ है आपको पता है? हाँ ये सुपारी का पेड़ है। हाँ। मैं दिखाना चाहूँगा तो आप देख सकते हैं ये सुपारी के पेड़ है एंड यहाँ पे सुपारी के बागान होते हैं। मेरा हमारा भी एक है, मैं जहाँ को लेकर नहीं गया, कोई बात नहीं, याद ही नहीं है, अच्छा लगता था उधर मतलब जाते तो। कोई बात नहीं हम फिर कभी आएंगे तो चलेंगे जब बैग आ रही है। बैग तो हम आने वाले नहीं हैं क्योंकि अभी हमारे प्लान्स में बहुत सारे चेंजेस हैं तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे। हम वापस इधर नहीं आने वाले, हम सिर्फ अगरतला जा रहे हैं, वापस इस रास्ते से अगरतला से आने वाले नहीं हैं। मेरा लिए तो आपको रुकना ही होगा। हाँ मैं उधर रुकूंगा, तो मेरा उधर लग जाएगा। नहीं मैं बिल्कुल रुकूंगा उधर एंड ये रास्ते हैं गांव के, बारिश होती है तो स्लिपरी ना हो जाए बहुत ज़्यादा, इसके लिए ईंट बिछा रखा है लोगों ने। ये गांव में जो है बारिश में चलने का आनंद है, आनंद कहिए या जो आप कह सकते हैं, मुझे तो आनंदमयी लग रहा है भैया कि एकदम अभी तक गिरा नहीं है ना इसलिए। नहीं मैं तो संभल के चलता हूँ ना इसलिए गिरता नहीं हूँ। फिलहाल बस इतना ही है, अभी हम जा रहे हैं, पहुंचेंगे उधर, कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो हम आपको दिखाते हैं, अदरवाइज अभी आप लोग सिर्फ सड़कें देखेंगे जो कि आप घर पे भी देखते होंगे। बट हाँ यहाँ का थोड़ा नेचर अलग है, यहाँ पे आपको सुपारी के बहुत सारे पेड़ दिखेंगे प्यारे प्यारे से एंड वो आपको घर पे नहीं दिखेंगे। और भी और हाँ और भी चीज़ें हैं जैसे ये वाला पेड़ मैंने नहीं देखा है अपनी साइड में, जिनके पत्ते ऐसे चित्तेदार होते हैं। सूखे के लिए ये लगा रखता है। हाँ, और अभी रिसेंटली इधर जो है धान की कटाई हुई है। हम लोग के वहाँ धान की कटाई कब से स्टार्ट हो गई थी, जब मैं निकला था तब से ही, एंड इधर धान की कटाई हुई है अब। और अभी आपने देखा होगा असीम भाई के वहाँ मैंने थोड़ा सा शौक किया वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा सा वो धान को क्या किया था भैया, क्या बोलते हैं जो मैंने उस दिन धान को ऐसे मशीन में ऐसे बेंगले में। हाँ एक्चुअली क्या बोलते मेरे को भी पता नहीं, एक्चुअली छोड़ा ना मतलब। हाँ वो धान के बीज जो होते हैं। हाँ, धान अलग करना। हाँ अलग करना। हाँ उसको जो भी बोलते हूँ मुझे आइडिया नहीं है, मुझे भी आइडिया नहीं है, बट बहुत प्यारा लग रहा है। एंड मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा सिनेमैटिक सा शॉट दिखाता हूँ जो कि एडिट किया गया है असीम भैया द्वारा, तो पहले ही धन्यवाद। पहले तो ये कैमरा पकड़िए, देख लीजिए पहले ये पकड़ लीजिए आप। यार ये पानी गिरेगा तो खराब नहीं होगा, और फाइनली हम लोगों को जहाँ आना था वहाँ पहुँच गए हैं। और ये घर है जहाँ हमको आना था, मतलब कैसे मस्त घर होते हैं, नहीं हम लोगों के वहाँ तो देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ का ये ट्रेडिशनल है, मतलब यहाँ का एक तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, ये ऐसे मकान होते हैं यहाँ पे। एंड ये असीम भाई एंड ये लोकेशन देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो लोकेशन है ना। हाँ ये तो मतलब ये मत देखो भैया। हाँ थोड़ी दोस्तों, मतलब ये लोकेशन दिखा रहा हूँ मैं, जंगल चारों तरफ मस्त एंड खेती है, ताज़े जो है सब्जियाँ उगाइए और खाइए। और कितना प्यारा मतलब एक लोकेशन है, ऊपर वो घर दिख रहे हैं, उधर भी
मतलब वो इतनी टाइम तो नहीं दिखेंगे प्रॉपरली, बट ठीक है। अरे फंस गया। हाँ एक डिसअपॉइंटिंग वो है, कोई नहीं, गाड़ियाँ फंसती रहती हैं पहाड़ों पे तो आम बात है। एंड ये घर है जहाँ हमको जाना था, हम पहुँच गए हैं। सुनता तो दादा आप बताइए आपको कैसा लगा, आप जो है कार जीते हैं। फिर बोलिए आपको कैसा लगा आप कार जीते हैं 8,80,000 रुपए के स्विफ्ट डिजायर। हाँ ये कार, आप कार का जो है पेपर हाथ में ले लीजिए, कैसा लगा है आपको। रुको रुको भैया, ऐसा नहीं, प्रॉपरली दिखाते हैं ना एक दादा जीते हैं कार। ये रहा वो कार का फोटो, यही कार आपको मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं, कैसा लगा है आपको। आप बताइए आप लोगों को जो है ये कार कैसी लगी जो आप लोग जीते हैं। बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और आपको। हमको भी बहुत बुरा लगा। कैसा, मतलब जब पहली बार फोन आया तो क्या रिएक्शन था आप लोगों का। बहुत खुश हुआ था। बहुत खुश हुए थे ना। कब आप लोगों को लगा कि नहीं कोई आप लोगों को लूटने की कोशिश कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अभी ये पकड़ लीजिए, कोई समस्या नहीं है। कब आपको लगा कि वो लूटने के लिए आपको कॉल किया गया है। बात करने से पता चला। बात करने से लगा ना। तो इन लोगों को कुछ सजेशन कि ये लोग सामने मिल जाए तो क्या होगा। जूते चप्पल जो है, चप्पल से जैसे भी ऐसे मारना पड़ेगा। दादा आप क्या कहना चाहेंगे। ऐसा ही, मतलब ये गलत है ना एक्चुअली। बताइए आप 8,000 रुपए कैसे कमा के ले आएंगे। वो 8,000 रुपए कैसे, गरीब आदमी है नहीं, वही धोखा देके ले जाएगा ये। तो ये जो है स्कैमर्स ऐसे स्कैम करते हैं। यहाँ एक नया ही अपग्रेडेड तरीका निकाल लिया इन लोगों ने। 25 पैसे का ये प्रिंट आउट लेते हैं और 22 रुपए का स्पीड पोस्ट करते हैं और 8,800 रुपए का चूना लगाते हैं। तो कुल मिला जुला के नया तरीका है, इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। ये पहली बार मुझे दिखा है, अभी तक इस तरीके का कोई फ्रॉड नहीं दिखा था मुझे। तो कुल मिला जुला के सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। और सारा क्रेडिट भैया को, नहीं तो ये स्कैम के बारे में हमको पता ही नहीं चलता। इनके साथ आया मैं तो। भैया आपको भी धन्यवाद, नमस्ते।